मौसम का हाल जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की बात करेंगे जहां एमपी में गर्मी तीखे तेवर दिखा रही है, तो मध्य प्रदेश के 20 शहरों में अब तापमान बढ़ गया है और ऐसे में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में पारा बढ़ा है और गर्मी लोगों को महसूस हो रही है। तो देखिए, सीजन में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जहाँ 40 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया है। ग्वालियर में भी सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है। 18 अप्रैल से मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन तब तक इस तरीके से ही गर्मी बरकरार रहेगी, मौसम गर्म रहेगा और मध्य प्रदेश में अब गर्मी तीखे तेवर दिखा रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के 20 शहरों में तापमान बढ़ा हुआ है। राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। इधर सीजन में पहली बार 40 डिग्री के पार टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और लोग इतनी गर्मी महसूस कर रहे हैं। तो दिन का टेम्परेचर खासतौर पर बढ़ा हुआ है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा है। 18 अप्रैल से कहीं मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन उससे पहले इसी तरीके का मौसम बरकरार रहेगा और लोगों को गर्मी महसूस होगी। तो देखिए, अप्रैल का महीना है लेकिन मई जून वाली गर्मी अभी से महसूस होने लगी है और ऐसे में एमपी में गर्मी अपने तीखे तेवर भी लोगों को दिखा रही है। तो मध्य प्रदेश के 20 शहरों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जहाँ टेम्परेचर एकदम बढ़ गया है। तो देखिए, एमपी में अब गर्मी बढ़ गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, ये वो शहर हैं जहाँ टेम्परेचर सबसे ज्यादा बढ़ा है और सीजन में पहली बार 40 डिग्री के पार टेम्परेचर पहुंच गया है। ग्वालियर की भी अगर हम बात करें तो सीजन का सबसे गर्म दिन यहां पर रहा है। तो 20 शहरों का तापमान 40 के पार पहुंचा है और ऐसे में चिलचिलाती धूप के तेवर लोगों को देखने को मिल रहे हैं, सहने को मिल रहे हैं। तो ग्वालियर में सीजन का सबसे गर्म दिन भी देखने को मिला। और चलिए, इस खबर पर अधिक बातचीत कर लेंगे। संवाददाता सूरज शर्मा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए, अप्रैल का महीना है लेकिन मई जून वाली गर्मी अभी से महसूस हो रही है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल प्रकृति, इस तरीके से हमने देखा कि अप्रैल के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में जिस तरीके से मौसम में उतार चढ़ाव रहा, इसमें तापमान काफ़ी कम रहा, लेकिन माना जा रहा है कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अब टूटता नजर आ रहा है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते, यानी कह सकते हैं कि दूसरे पखवाड़े में अब मौसम लगातार गर्म होता नज़र आ रहा है। और सोमवार की बात करें तो मध्य प्रदेश के 20 जिले ऐसे रहे जहाँ पर 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान रहा, खासतौर से इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर की बात करें। इसके अलावा अन्य जिलों की बात करें तो 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान रहा है, यानी अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश का मौसम जो है वो गर्म होता नज़र आ रहा है और कई जिले ऐसे हैं जो अब माना जा रहा है धीरे धीरे यहाँ पर हीट वेव जैसी स्थितियाँ बनने की संभावना है। हालांकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बना हुआ है जिसके चलते माना जा रहा है कि एक दो दिन तक और कुछ जो ऐसे हिस्से हैं, खासतौर से दक्षिणी मध्य प्रदेश की बात करें जिसमें खंडवा, बड़वानी, हरदा, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट जैसे जिले आते हैं, यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी, बादल छाए जैसी संभावनाएँ नज़र आती हैं। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी और कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर रात का तापमान करीब 26 डिग्री तक पहुँचा है। तो कुल मिलाकर माना जाए कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश धीरे धीरे तपता जाएगा और जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले 10 साल का ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि मध्य प्रदेश में पहले ही दिन से, अप्रैल के पहले ही दिन से 40 के पार तापमान गया है, लेकिन अब दूसरे पखवाड़े से ऐसा सिस्टम बना है तो अब माना जा रहा है कि धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा और लोगों को भारी गर्मी का सामना भी करना पड़ेगा। प्रगति, तो भारी गर्मी का सामना भी लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि मौसम विभाग का भी यही कहना है कि आने वाले समय में इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ेगा और गर्मी भी तीखे तेवर दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। और एमपी के बाद